हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपिसोड 35 ऑफ कैप्स। आज इस कैप्स एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई और नीट के हाई परफॉर्मर स्टूडेंट्स किस तरीके से अपनी पढ़ाई को और अपनी मेमोरी को मेंटेन करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये रियलाइज़ करते हैं कि जिन स्टूडेंट की कंसिस्टेंटली जेईई या नीट की प्रिपरेशन में अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में या इवन वो जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनकी डिफरेंट टेस्ट सीरीज में बहुत हाई परफॉर्मेंस लगातार मेंटेन होती रहती है। हाउ दीज स्टूडेंट्स आर एबल टू मेंटेन देयर परफॉर्मेंस, ऐसा क्या मेथड फॉलो करते हैं, क्या स्टडी मेथड होता है, पढ़ने का तरीका क्या होता है, उनका रूटीन क्या होता है और वो अपनी मेमोरी को किस तरीके से इंटैक्ट रखते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस लगातार मेंटेन होती रहती है। पहले भी कई कैप्स के एपिसोड में हम टॉपर्स के बिहेवियर, लाइफस्टाइल, रूटीन, स्टडी मेथडोलॉजी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और बहुत सारे फीडबैक्स हमें मिले कि अभी भी कई स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेके नहीं समझ पाते कि वो बहुत घंटे हर दिन अपनी पढ़ाई पर डिवोट करते हैं, उसके बावजूद उनकी मेमोरी उतनी कंटेंट को रिटेन नहीं कर पाती जितने उनके कॉम्पिटिटर जो हाई परफॉर्मर्स हैं वो रिटेन कर लेते हैं। इवन कम घंटे देने के बाद भी, कम पढ़ाई के बावजूद जो हाई परफॉर्मर्स हैं उनकी मेमोरी बहुत अच्छे लेवल पर इंटैक्ट रहती है और एग्जाम में सिली मिस्टेक्स उनकी बहुत कम होती है। सो ऐसा कैसे हो जाता है? सो माई डियर स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ दोज फीडबैक्स ओनली आई एम गोइंग टू टेल यू सम माइनर फैक्टर्स। मैं फिर रिपीट करूँगा, ये वो माइनर फैक्टर्स हैं जो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपकी मेमोरी को इंटैक्ट रखने में, एग्जामिनेशन हॉल में क्विक रिकलेक्शन, हिटिंग द बुल्स आई कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन को पढ़ते ही सही तरीके से स्ट्राइक करने के क्या मेथड्स होते हैं। और मैं कुछ दूसरे वीडियोज़ के भी रेफरेंस लूँगा जो ऑलरेडी हम अपने स्टूडेंट्स के लिए पिछले टाइम में दे चुके हैं, जो आपको एलन जयपुर के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल होंगे। और सबसे पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो होता है स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस। When we talk about the level of confidence, आपको कई बार ये दिखाई देता होगा कि जो बहुत अच्छे परफॉर्मर स्टूडेंट हैं जेईई या नीट की प्रिपरेशन में बहुत हाई परफॉर्म कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स के हम टॉपर्स की बात करें जिनकी रैंक टॉप 100, 300 या 500 में ऑल इंडिया रैंक आ चुकी है, उन स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे लेवल का होता है। या आप ये कह सकते हैं एक बार रैंक अचीव होने के बाद अगर वो ओवर कॉन्फिडेंस भी दिखता है तो उसमें कोई गलत नहीं है। बट वाइल प्रिपेयरिंग वो सभी स्टूडेंट जिनकी टॉप 10, टॉप 100 या टॉप 500 में रैंक आ चुकी है, बिफोर अपीयरिंग इन एग्जामिनेशन दे वर ऑल्सो हैविंग अ फियर कि उनकी रैंक क्या आने वाली है। ऐसा कोई भी स्टूडेंट आपको नहीं मिलेगा जो ये कहे यस आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर टॉप 10 रैंक्स और मेरी टॉप 10 में रैंक आई है। ज़्यादातर स्टूडेंट ये समझ जाते हैं कि उनकी प्रिपरेशन अच्छी है और उनके रूट लेवल प्रिपरेशन की जो मेथडोलॉजी है उसको वो रिटेन करके चलते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस। When we talk about toppers strategy, तीन factors सबसे ज़्यादा important है। पहला, when we talk about over और under confidence, many times teachers और even your seniors will say कि आपको कभी भी preparation पे over confident नहीं होना चाहिए और under confident भी नहीं होना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी हाई परफॉर्मर स्टूडेंट होते हैं उनकी सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो एक लेवल पे अंडर कॉन्फिडेंस को डिनोट करता है। किस तरह का अंडर कॉन्फिडेंस? कई लोगों को ये लगता है अंडर कॉन्फिडेंस का मतलब है आप बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग थॉट के हैं, आपको अपनी वर्किंग पे कॉन्फिडेंस नहीं है, जबकि एक्चुअली अंडर कॉन्फिडेंस डजंट मीन दिस। कॉन्फिडेंस गिव्स यू अ लेवल ऑफ प्रिपरेशन, बट अंडर कॉन्फिडेंस मेक्स यू कॉन्शियस। आपके अच्छे लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ अराउंड 15-20% आप में अंडर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। व्हेन वी टॉक अबाउट अंडर कॉन्फिडेंस, अराउंड 20% आपका अंडर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और 80% यू शुड रिमेन कॉन्फिडेंस। व्हाट डज दिस मीन आई मस्ट एक्सप्लेन यू। व्हेन वी टॉक अबाउट अंडर कॉन्फिडेंस, तो जितने भी हाई परफॉर्मर स्टूडेंट्स हैं हमने पिछले कई सालों में ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि उन स्टूडेंट का कॉन्शियसनेस लेवल बहुत हाई होता है, उनको हमेशा ये अंडर कॉन्फिडेंस उन जगहों पे रहता है कि हमने कहीं पे कोई बेसिक कॉन्सेप्ट छोड़ तो नहीं दिया। दे आर सो विजिलेंट इवन वाइल स्टडिंग फंडामेंटल थ्योरी, फंडामेंटल क्वेश्चंस, दे आर सो विजिलेंट कि वो हमेशा ये ऑब्जर्व करते हैं कि कहीं कोई बेसिक चीज़ उनसे छूट तो नहीं गई। उनको बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, डिटर्मिनेशन लेवल बहुत हाई है कि हमको करके दिखाना है, लेकिन साथ में करने का तरीका क्या है जब हमारे कॉन्सेप्ट 100% लेवल पे प्रॉपर होंगे। क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं तो आपका कॉन्शियसनेस लेवल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और कई स्टूडेंट जो बहुत अच्छे परफॉर्मर होते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से टाइम के साथ काफ़ी पीछे हो जाते हैं और ऑल इंडिया रैंक अपनी जो अच्छी बना सकते थे उसे खो देते हैं।
सो जो अंडर कॉन्फिडेंस की मैं बात करूँ, अराउंड 15-20% कॉन्सेप्चुअल लेवल पे ये वही बच्चे हैं जिनका परफॉर्मेंस अच्छा होने के बावजूद उन्हें ये चिंता होती है कि वी शुड नॉट रिमेन ओवर कॉन्फिडेंट और 100% कॉन्फिडेंट ऑन आर प्रिपरेशन. 15-20% चीज़ें अभी भी ऐसी हो सकती हैं जो हमसे शायद छूट गई हों, क्योंकि हमें क्लास में किसी टीचर ने पढ़ाया, हमने कुछ बुक्स फॉलो करी हैं. डिस्पाइट ऑफ दैट कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट द लेवल ऑफ सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, ये इतने वाइड स्प्रेड सब्जेक्ट्स हैं कि जिनको 100% कवर कर पाना लगभग नामुमकिन है, और एग्जामिनेशन में कहीं से भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, और एक या दो क्वेश्चन भी अगर आपके गलत होते हैं तो अपनी टॉप या अच्छी पोजीशन जो आप बना सकते हैं उसको आप लूज कर देते हैं. सो दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू बी 15-20% अंडर कॉन्फिडेंट लेवल फॉर विजिलेंसी इन रीडिंग बुक्स और अंडरस्टैंडिंग थिंग्स और वाइल अंडरस्टैंडिंग कॉन्टेंट इन अ क्लासरूम. आपको जब भी कोई टीचर बेसिक लेवल पर भी पढ़ा रहे हैं तो आप विजिलेंट रहिए, क्योंकि हो सकता है उन बेसिक्स में भी कोई टीचर जिनकी नॉलेज आपसे ज़्यादा है वो आपको ऐसी चीज़ें बता दें जो आपने एलिमेंट्री लेवल पर लूज़ करी हैं. जो मीडियोकर स्टूडेंट हैं जिनकी परफॉर्मेंस डिसेंट है, ना बहुत अच्छी है ना बहुत बुरी है, उनकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रहती है वो ये कि जब एलिमेंट्री चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं या एलिमेंट्री चीज़ें रीडिंग में आती हैं तो दे बिकम सो नेग्लिजेंट कि ये चीज़ें तो हमको आती हैं, हमको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हमको डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के ऊपर ट्राई करना है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पे अटैक करना है, एंड बिकॉज ऑफ दिस वो अपनी एलिमेंट्री चीज़ों को जितनी आती हैं उसके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से लूज़ कर देते हैं. दे प्रिपेयर फॉर देयर एग्जामिनेशन वेल, बट कहीं ना कहीं उस नेग्लिजेंट एटीट्यूड की वजह से कई छोटे छोटे फंडामेंटल्स हैं जो स्किप हो जाते हैं. सो आई मस्ट टेल यू कि ये जो 20% अंडर कॉन्फिडेंस और 80% कॉन्फिडेंस की थ्योरी है, ये उन सभी स्टूडेंट पे एप्लीकेबल होती हैं जो एक अच्छे लेवल पे JEE या NEET के लिए परफॉर्म कर रहे हैं. आप ये कह सकते हैं JEE NEET के ओवरऑल नेशनल टॉपर्स हैं, दोज वो आर स्टैंडिंग अमंग टॉप 100, 300 और 500 रैंक्स. वो स्टूडेंट चाहे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, दिस इज स्ट्रेटेजी विच इज गोइंग टू हेल्प यू एट एन ओवरऑल बूस्ट लेवल. आप अपने आप को बूस्ट कर पाएंगे, अपने लेवल को बूस्ट कर पाएंगे फॉर योर ओवरऑल प्रिपरेशन. दूसरा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी मेमोरी. बहुत सारे स्टूडेंट ये फील करते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में दे आर नॉट एबल टू स्ट्राइक कॉन्सेप्ट्स एट अ प्रॉपर लेवल, और उनकी मेमोरी उस वक्त उनको धोखा देती है या प्रॉपरली वो कॉन्सेप्ट रिट्रीव नहीं कर पाते इन एग्जामिनेशन हॉल, और गलत तरीके से या मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से वो चीज़ें लूज कर देते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, जितने भी हाई परफॉर्मर या JEE NEET टॉपर्स हैं उनके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि उनकी मेमोरी काफ़ी अच्छी होती है कॉन्सेप्ट को रिकलेक्शन के लिए. अब बात यह आती है कि इस मेमोरी को अच्छा बनाया कैसे जाए, हाउ वी आर एबल टू स्ट्रेंथन आवर मेमोरी. इसके ऊपर भी ऑलरेडी कैप्स में हम पहले स्पेसिफिकली बात कर चुके हैं, बट यहां पे मैं एक ही पॉइंट कहना चाहूंगा, अगर आप जेन्युइनली अपनी मेमोरी को बूस्ट करना चाहते हैं तो ट्राई टू फोकस ऑन मेकिंग शॉर्ट नोट्स एटलीस्ट 45 मिनट्स ऑन डेली बेसिस, क्योंकि शॉर्ट नोट्स वो मेथडोलॉजी है जो आपकी क्लास 9-10 से लेके NTSC की प्रिपरेशन से लेके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, IAS, IES, इंटरनेशनल ओलंपियाड्स, हर एग्जामिनेशन में ये स्ट्रेटेजी काम करती है. आप अगर हमारे पुराने स्टूडेंट या किन्हीं भी पुराने JEE टॉपर्स, NEET टॉपर्स, IAS टॉपर्स, ओलंपियाड लेवल, इंटरनेशनल ओलंपियाड इंडियन रिप्रेजेंटेटिव स्टूडेंट जिन्होंने टीम में पार्ट लिया, मेडल्स जीते, वो उन सबकी एक कॉमन स्ट्रेटेजी रहती है कि उनमें से मैक्सिमम स्टूडेंट शॉर्ट नोट्स बनाते रहते हैं. शॉर्ट नोट्स का बनाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेमोरी बिल्डिंग के लिए, क्योंकि आप मेजॉरिटी ऑफ कंटेंट अराउंड मोर देन 30-40 पेजेस का कंटेंट आप 2 या 3 पेज के अंदर समराइज कर सकते हैं. इन दैट वे 1000 पेजेस का कंटेंट भी आप विद इन अबाउट यू कैन से 100 पेजेस के अंदर समराइज कर लेते हैं, और वो जब हैबिट में आता है तो 100 पेजेस का रिविजन इज वेरी वेरी कंफर्टेबल 3 times a day. एक दिन में 3 बार वो 1000 पेजेस आप शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में रिवाइज कर सकते हैं. और इट इज़ अ ह्यूमन ब्रेन टेंडेंसी कि किसी भी चीज़ को जब आप बार बार रिवाइज करते हैं या बार बार रीड आउट करते हैं तो ब्रेन में रिप्लेनिश होती रहती है और आपकी मेमोरी को इम्प्रेस करती रहती है, एंड ओवर अ लॉन्ग टर्म यू विल बी एबल टू रिटेन योर मेमोरी. सो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि स्टूडेंट शॉर्ट नोट्स रेगुलर बेसिस पे बनाएं. शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका ऑलरेडी मैं डिफरेंट वीडियोज़ में बना चुका हूँ, आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर हाउ टू प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स के वीडियो सर्च कर सकते हैं और उन वीडियोज़ को देखिए कि किस तरीके से आपको
फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथ्स के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं. इन वीडियोस पे बहुत सारी कमेंट्स और क्वेरीज हैं कि किस तरीके से बायो के शॉर्ट नोट्स बनने हैं, कैसे केमिस्ट्री या फिजिक्स के बनने हैं, वो सारे आपको उन वीडियोस के कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे. दैट इज गोइंग टू हेल्प यू एट एन ओवरऑल लेवल ऑफ बिल्डिंग शॉर्ट नोट्स एंड दिस गोइंग टू स्ट्रांगली स्ट्रेंथन योर ओवरऑल मेमोरी. सो आप जितना हो सके अपनी मेमोरी पे फोकस कीजिए तो एग्जाम में अराउंड 75% सिली मिस्टेक जो मेमोरी स्ट्रेंथन ना होने की वजह से होती है वो आप रिकवर कर लेंगे. थर्ड पॉइंट विच इज वेरी वेरी क्रिटिकल इज प्रेजेंस ऑफ माइंड. इन एग्जामिनेशन ऑल एज वेल एज वाइल स्टडिंग, वाइल रीडिंग कॉन्टेंट और वाइल सिटिंग इन क्लासरूम वन यूर ग्रास्पिंग टू अ टीचर, हर जगह पे आपका अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड प्रॉपर है, अगर आप इमीडिएटली फोकस कर पाते हैं जो भी चीज पढ़ रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं, तो ये आपकी ओवरऑल ग्रास्पिंग को, आपकी मेमोरी को भी रिप्लेनिश करेगा और आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा और अंडर कॉन्फिडेंस को लगातार इंस्टिंक्टफुली आपको इंपल्सेस देता रहेगा. इंस्टिंक्टफुल इंपल्सेस का डायरेक्ट मीनिंग ये है कि जब आप कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ प्रेजेंस ऑफ माइंड से समझ रहे हैं, तो आप इमीडिएटली ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो कि बिल्कुल फंडामेंटल होंगे उनको जब स्टडी कर रहे हैं किसी टीचर के साथ या किसी बुक में से रीड कर रहे हैं, तो भी आप उसमें से ऐसी चीजें ढूंढ पाएंगे जो चीजें शायद आपने पहले नहीं पढ़ी, आप मिस कर गए थे या आपको नहीं आती थी. एंड यू विल बी एबल टू मेक योर सेल्फ कॉन्सेंट्रेटिव फॉर एलिमेंट्री कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और एलिमेंट्री थ्योरी ओनली इफ योर प्रेजेंस ऑफ माइंड इज प्रॉपर. इफ यू आर हैविंग दैट एटीट्यूड कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो चीजें आपको पहले से आती हैं, तो आप कभी बिटवीन द गैप जो कंटेंट है और जो स्पेसेस हैं वो आप देख नहीं पाएंगे और प्रॉपरली जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसके अंदर से जो एडिशनल कंटेंट एक्सट्रैक्ट करना है आप नहीं कर पाएंगे. सो ऑलवेज हैव अ गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड वेदर यू आर रीडिंग समथिंग फ्रॉम अ टेक्स्ट, यू आर रीडिंग अ टेक्स्ट बुक और यू आर सिटिंग इन अ क्लासरूम एंड अ टीचर इज टीचिंग यू द एलिमेंट्री कॉन्टेंट. हर टीचर का टीचिंग स्टाइल अलग होता है, हर बुक की एक्सप्लेनेशन अलग होती है. आप एलिमेंट्री या बेसिक चीज़ें भी अगर चार बुक से पढ़ेंगे तो आप हर बुक में से कुछ ना कुछ ऐसा आपको एडिशनल कंटेंट मिल जाएगा जो आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन में एड ऑन करेगा, आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगा और वो कॉन्सेप्ट अंडर कॉन्फिडेंस से कॉन्फिडेंस की तरफ मूव करेंगे. बट अनलेस यू आर अंडर कॉन्फिडेंट फॉर दोज एलिमेंट्री लेवल थिंग्स आप कभी उन चीज़ों को ग्रास्प नहीं कर पाएंगे. 100% कॉन्फिडेंस इज नॉट गुड अनलेस यू अपियर इन द एग्जामिनेशन हॉल. 80% confidence is good and 20% under confidence throughout 1 or 2 years of your preparation. Even those students who are in class 9th or 10th and they are watching this video, they should be vigilant enough ki apne aap ko 100% confidence ki taraf na leke jayen. Aur hamesha ye dhyan mein rakhen ki agar ek hi cheez ko aapko agar 3 teacher ne padhai hai, har bar aapko kuch na kuch aisa milega jo aapki academic personality mein add on karega. So I would like to conclude here with this CAPS episode क्योंकि ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा important है जो मैंने अभी आपको explain करी. आपको memory के लिए add on understanding के लिए शॉर्ट नोट्स के हमारे वीडियो दोबारा देखने हैं और उनके कमेंट सेक्शन को रीड करना है. इफ़ यू विश यू कैन आस्क फर्दर कमेंट्स, बट आई होप जितने भी कमेंट्स और उनके आंसर्स अवेलेबल हैं उससे आपको आपके क्वेश्चंस या आपके मन में जो क्वेरीज आ रही हैं उसके आंसर भी मिल जाएंगे. विश यू ऑल द बेस्ट.